देखा जाए तो घेवर एकदम जालीदार है। साथ में ही बनाएंगे केसर रबड़ी जो 5 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाएगी। जानने के लिए एंड तक फॉलो कीजिएगा। बिना घेवर मोल्ड के भगोनी में घेवर बनाकर दिखाऊंगी। हाय एवरीवन, मैं हूँ वर्षा। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। परफेक्ट घेवर बनाने के लिए बैटर का सही से बनना ज़रूरी है। बोल में लेंगे 1/4 कप घी। ग्राम्स में नापा जाए तो 50 ग्राम होगा। कप नहीं है तो कटोरी से भी माप लिया जा सकता है। कुछ आइस क्यूब, मैंने प्लेट में बर्फ जमा कर रखी थी वही यूज़ की है। मिक्स कर लेंगे। अब आप नोटिस करेंगे कि बर्फ़ के कारण घी जमना चालू हो जाएगा। बर्फ़ को निकाल दें, इसे वापस फेंटिए। जब तक फेंटना है जब तक घी की कंसिस्टेंसी इस तरह की ना हो जाए। दिखने में क्रीमी और फ्लफी है। व्हिपिंग क्रीम की कंसिस्टेंसी होती है, दिखने में कुछ ऐसी ही लगेगी। घी में दाने नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ रहेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। मिलाएं 1 कप मैदा। ग्राम्स में नापा जाए 150 ग्राम मैदा होगा। आधा कप ठंडा पानी। फ्रिज का पानी यूज करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। फेंट कर इसका स्मूथ बैटर बनाए। एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। 5 से 6 मिनट तक इसी तरह फेंटते रहिए। घेवर का टेक्सचर इसी स्टेप पर डिपेंड करता है। अगर हाथ से बनाने में प्रॉब्लम आए तो मिक्सी जार में भी बनाया जा सकता है। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। साथ में ही मिलाएंगे आधा टेबल स्पून यानी आधा चम्मच बेसन, 1 चम्मच नींबू का रस, थोड़ा पानी। इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। विस्क चम्मच या हाथ से मिलाया जा सकता है। अब बैटर को पतला करेंगे। घेवर का बैटर पतला बनाया जाता है। 1.5 कप पानी। यहाँ पर फ्रिज का ठंडा पानी लिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शुरू से लेकर अब तक मैंने टोटल 0.5 लीटर पानी यूज किया है। सॉस बोतल में बैटर ट्रांसफर कर लेंगे। चम्मच से भी बनाया जा सकता है। बोतल से सीधा बैटर लाइन बनाते हुए नीचे गिरेगा तो बनाने में आसानी होगी। 15 से 20 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखें। बर्फ के ऊपर रखा जाए तो और भी अच्छा है। बोल को भी ढककर फ्रिज में रख देंगे। बैटर थोड़ा भी गर्म हुआ तो घेवर में परफेक्शन नहीं आएगा। बैटर फ्रिज में ठंडा होगा जब तक रबड़ी और चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। पैन में लें 1 कप मिल्क पाउडर, 1 कप दूध। मिक्स कर लेंगे। ध्यान दीजिए, मैंने पैन को अभी गैस पर नहीं रखा। इन्हें ठंडे दूध में ही अच्छी तरह से मिलाना है। मिल्क पाउडर के कारण जो गांठे हैं वो मिट जानी चाहिए। पैन को गैस पर रखेंगे। फ्लेम इस वक्त मीडियम है, लगातार चलाते रहिए वरना दूध नीचे लग जाएगा जिसके कारण फ्लेवर खराब हो सकता है। 8 से 10 केसर के धागे शुरू में ही डाल दें, ये धीरे धीरे फ्लेवर और कलर देगा। पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, रबड़ी गाढ़ी होने लगी है। क्योंकि हमने मिल्क पाउडर यूज किया है तो रबड़ी को गाढ़ा होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ड्राई फ्रूट्स में लिए हैं कटे हुए पिस्ता, काजू। इन्हें 2 पीसेस में कट किया है, चाहें तो चॉप करके भी यूज कर सकते हैं। बादाम, इलायची, इसका पाउडर बना लेंगे। साथ में ही मिलाएंगे 1/4 कप चीनी। टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा की जा सकती है। घेवर मीठे रहेंगे तो रबड़ी में मिठास कम रखिए। पिस्ता, काजू, बादाम और 1/2 चम्मच घी डालकर मिलाएं। केसर के कारण कलर काफी अच्छा आया है। लच्छेदार रबड़ी बनाने की एक ट्रिक, पैन के किनारों पर दूध जमता हुआ दिखेगा, चम्मच की मदद से इसे निकालें। ये देखिए रबड़ी में लच्छे नजर आएंगे। काफी गाढ़ी हो चुकी है, गैस बंद कर देंगे। मिलाइए 1 इलायची का पाउडर, थोड़ा ठंडा होने दें, फिर मिट्टी के कुल्लर में ट्रांसफर करके सर्व करें। केवल 5 मिनट में ही केसर रबड़ी बनकर रेडी है। चाशनी के लिए 1 कप चीनी, 1/2 कप पानी, 1 इलायची तोड़कर डालें। लगातार चलाते हुए पकाना है। कुछ इस तरह के बबल्स नजर आएंगे, ये इंडिकेशन है कि चाशनी बन चुकी है। चेक करने के लिए चम्मच से गिराएं। आखिरी बूंद गिरेगी तो एक तार बनेगा। ये उंगली और अंगूठे के बीच में रखकर देखें, एक तार देखने को मिलेगा। गैस बंद करके 1/2 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। ऐसा करेंगे तो चाशनी ठंडी होने पर जमेगी नहीं। अब घेवर बनाएंगे। भगोनी को 1/2 तेल से भर दिया। तेल की जगह घी या डालडा भी ले सकते हैं। जनरली ऐसी भगोनी सभी के घरों में होती है, इसीलिए भगोनी में बनाकर दिखा रही हूँ। गैस हाई फ्लेम पर है, तेल अच्छी तरह गर्म हो जाना चाहिए। ध्यान रखिए तेल गर्म है और बैटर ठंडा। थोड़ा बैटर डालकर देखें, फ्राई होने लगा, यानी कि तेल सही टेम्परेचर पर आ चुका है। अब घेवर बनाना शुरू करेंगे। बीच में थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालना है जैसा कि वीडियो में दिखाया है।
तीन से चार बार इसी तरह बैटर डालिए। जैसे ही तेल में घेबर का बैटर डालेंगे तो तेल उछलकर ऊपर की ओर आएगा, झाग बनाएगा। जैसे ही ये झाग बैठ जाए तो फिर से बैटर डालिए। एक साथ ज़्यादा बैटर नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। एक बार में एक चम्मच के करीब डालना है। जितना मोटा या पतला घेबर को रखना है उतनी बार बैटर डालिए। यहाँ पर मैंने 10 से 12 बार डाला। बैटर को डालते जाइए, बीच में जगह बनाते जाइए। बनने के बाद तुरंत हिलाने की गलती ना करें जब तक किनारों से गोल्डन नहीं हो जाता। लेकिन भगोनी को तो हिला सकते हैं। भगोनी को हिलाकर घेबर के ऊपर तेल लेकर आएं ताकि ये ऊपर की ओर से भी फ्राई हो सके। निकाल कर किसी जाली या स्टैंड पर रखें। डायरेक्टली प्लेट पर रखेंगे तो घेबर गर्म है, नमी के कारण गीला हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा किनारे हैं उन्हें तोड़ देंगे, चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। परफेक्ट घेबर बनकर तैयार हुआ है, एक बार जरूर ट्राई करें। पलट कर देखा जाए तो नीचे की साइड से भी अच्छी तरह फ्राई हुआ है। अब मैं आपको गोल तवे के ऊपर घेबर बनाकर दिखाऊंगी। घेबर साइज में छोटा रहेगा और थोड़ा पतला रहेगा, जैसे अभी बताया गया है उसी तरीके से बीच में बैटर डालें। बीच में जगह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बैटर डालते जाएं, किनारे पर होता जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको अलग अलग बर्तन में घेबर बनाकर दिखाया। मेरा पर्पस था कि घर में जो बर्तन है उसका उपयोग करके आप घेबर बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि घेबर मोल्ड हो तभी घेबर बनाया जाएगा, जैसे कि कुकर, भगोनी या नॉनस्टिक पैन, जो भी घर में हो उसका यूज करके घेबर बनाइएगा। जब बन जाए तो इसे भी निकाल लेंगे। थोड़ी देर इसी तरह पकड़ कर रखिए ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। मैं आपको किनारे से दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकें, छोटे बर्तन में बनाने के कारण पतला बना है। घेबर की थिकनेस और साइज अपने अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। जाली के ऊपर एक करके तीन घेबर रखिए। चाशनी डालेंगे। तीन घेबर रखने से ये होगा कि ऊपर वाले के ऊपर चाशनी लगाएंगे, नीचे वाले घेबर पर अपने आप लग जाएगी। चाशनी इस वक्त हल्की गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म चाशनी नहीं डालना वरना घेबर सौगी हो जाएगा, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब घेबर पर रबड़ी लगाएंगे। ऊपर से काजू, पिस्ता और बादाम डालकर गार्निश कीजिए। बिना चाशनी के घेबर को अगर एयर टाइट कंटेनर में रखकर स्टोर किया जाए तो ये एक महीने तक खराब नहीं होंगे। चाशनी लगाने के बाद घेबर एक हफ्ते तक यूज किया जा सकता है और रबड़ी लगाने के बाद केवल एक दिन तक घेबर यूज कर सकते हैं, उसके बाद ये खराब हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप घेबर को ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर स्टोर करिए। जिस टाइम खाना है उसी वक्त चाशनी और रबड़ी लगाकर यूज करें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। फ्यूचर में भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही दिखेगी एक घंटी, उस घंटी को भी दबाइए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, Stay tuned. Thanks for watching.